we begin with a very important topic, polytropic process. Polytropic process. This is a process in which प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन फिक्स नहीं होती है. मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चूज करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में. ये रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि अगर प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, तो पी वी का पावर एन एक कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए. यहाँ पे एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है. एल बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है सारा ले सकता है. नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, सब कुछ ले सकता है. सो दिस इज सेड टू बी अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऑफ डिग्री एन. ये जो रिलेशन मैंने दिखाया है, इस रिलेशन को हम कहते हैं दिस इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऑफ डिग्री एन. मतलब अगर अगर सपोजली अगर किसी ने ऐसा दे रखा है, प्रेशर वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, मतलब P proportional to V square supposedly दे रखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि P V to the power minus 2 is equal to constant. लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर. तो इसको हम बोलेंगे this is a polytropic process of degree minus 2. This is polytropic of degree minus 2. क्या आपको बात समझ आ रही है? Yes sir. तो इस तरह के प्रोसेस के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अगेन निकालने के लिए आपसे पूछ सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जैसे सबसे पहले आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ इस प्रोसेस के लिए इक्विवेलेंट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है. व्हाट इज द इक्विवेलेंट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो अब इक्विवेलेंट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? आप ये सोचो कि अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मैंने उसको दिया है, तो उससे जो टेम्परेचर चेंज डीटी का आता है, तो दैट डीक्यू कैन बी रिटन एज एन into C for the process into DT. लिख सकते हैं ना ऐसा? ये आपको लास्ट डे भी समझाया था कि अगर किसी भी प्रोसेस के लिए हमें मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी पता है, तो फिर हम हीट एनर्जी ट्रांसफर निकालने के लिए N into C for the process into temperature difference करते हैं ना ऐसा? हाँ सर. तो वही वैसे ही कुछ स्ट्रेटेजाइज करके यहाँ पे निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे. मैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाऊंगा, उसको यूज करके उसको आपको याद रखनी है. ठीक है, मैं यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालना सिखा रहा हूँ आपको. ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी for polytropic process. Polytropic process. देखो, अगर dq की value को हमने लिखा, this is du plus dw. dq की value को हम लिख सकते हैं n into c for the process. C for the process को मैं cn लिख रहा हूँ, and into dt. du को लिखा n into cv, cv into dt. dw को लिखा p dv. अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो सी एन की वैल्यू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, दिस बिकम सी वी प्लस पी बाई एन इंटू डी वी बाई डी टी. दिस इज दी मेथड हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर दी प्रोसेस. अब डी वी बाई डी टी का वैल्यू यहां से हम इजिली निकाल सकते हैं. डी वी बाई डी टी देखो यहां से निकाल सकते हैं. कैसे? आपको पी और वी का तो रिलेशन पता है, पी वी टू द पावर एन कॉन्स्टेंट है, एंड वॉट यू नीड ओवर हियर इज डी वी बाई डी टी. तो हम प्रेशर को एलिमिनेट करके हम वी और टी का रिलेशन निकाल लेंगे और फिर डीवी बाई टी ले लेंगे. तो एज हमारे पास ऑलरेडी ये रिलेशन है कि पी वी टू द पावर एन इज अ कांस्टेंट, तो प्रेशर को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा टी वी टू द पावर एन माइनस वन इज अ कांस्टेंट. कह सकते हैं सर? कह सकते हैं? यस सर. ठीक है, तो अब इसी में अगर आप डिफ्रेंशिएशन करके कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास डी टी बाई डी वी की वैल्यू, दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ n माइनस वन इंटू टी बाई वी आ जाएगी. ये डिफरेंशिएशन से आपको मिल जाना है. आप एरर फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो. अब जैसे इसमें एरर फॉर्मूला लगा लो, डी टी बाई टी प्लस एन माइनस वन इंटू डी वी बाई वी इक्वल टू जीरो, एंड उसके बाद फिर डी टी बाई डी वी कैलकुलेट करोगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगा. तो एकदम सिंपल सा रिलेशन है, तुरंत मिल गया ये हमें. तो ये वाली वैल्यू को अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से आ जाएगा सी एन का वैल्यू इज सी वी प्लस पी बाई एन इंटू डी वी बाई डी टी. So this can be written as 1 by dv by dt, dt by dv. dt by dv ki value substitute karein. This is minus of n minus 1 into t divided by v. So v upar chala gaya. So this becomes cv plus pv by nt becomes r. And this becomes 1 minus of n. Dekho, ye c for the process mil chuka hai aapko.
मैंने ऊपर वाला जो एक और रिलेशन बनाया था dv by dt के टर्म्स में, जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया था, ये वाला जो है इसमें देखो, इसमें ये हर एक तरह का रिजल्ट में होल्ड करेगा। जैसे अगर मान लो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में पीवी टू द पावर एन का रिलेशन होल्ड नहीं करता है, कुछ और रिलेशन होल्ड करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में वेरिएशन है, तो उस केस में भी ये रिलेशन यूज करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको डीवी बाई डीटी बस निकालना है एंड देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। बट ये जो रिलेशन मैंने निकाला सी एन इक्वल टू सी वी प्लस आर बाई वन माइनस एन, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ P और V के बीच का रिलेशन जो है वो PV to the power N के फॉर्म में एक्सप्रेस है, तब एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये रिलेशन आपने याद किया तो इनडायरेक्टली आपको तीन चीजें और भी याद हो गई है। इस रिलेशन को याद करते ही तीन चीजें और याद हो गई। क्या क्या याद हो गई है आप ये बताओ मुझे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का काम क्या है, हीट एनर्जी निकालना, राइट? तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, एन इंटू सी फॉर द प्रोसेस इंटू डेल्टा टी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हीट एनर्जी निकालना आ गया, क्योंकि सी फॉर दी प्रोसेस आपने निकाल ही लिया है, तो इसे हीट एनर्जी का कितना ट्रांसफर होगा ये आप निकाल लेंगे। फिर सीवी का काम क्या है आप ये बताओ मुझे, इंटरनर्जी का चेंज निकालना, राइट? तो डेल्टा यू अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, एन इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी, तो ये भी मिल गया आपको। तो अगर एक क्वांटिटी आपको डेल्टा क्यू दे चुका है, दूसरा क्वांटिटी डेल्टा यू दे चुका है, तो तीसरा क्वांटिटी आपको क्या देगा, वर्क दे देगा ना, वर्क सर, समझ आ रही है आपको? So this quantity will help you find out work, and this work will be n into r by 1 minus n and into delta t. हो गया। तो अगर आपने ये relation याद रखा polytropic process का, molar specific heat capacity का, c for the process is cv plus r by 1 minus n, then indirectly you have obtained three or quantities, delta q, delta u and w also. Clear है? Clear है? Yes sir. ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रहनी चाहिए, ये रिलेशन आप डिराइव नहीं करते रहेंगे बार बार, ठीक है? ये रिलेशन आपको याद रहनी चाहिए। आप इस रिलेशन को यूज कैसे करेंगे वो आपको सिखाते हैं, ठीक है? अब एप्लीकेशन के थ्रू आप सिखाते हैं। नाम से ऐसे नहीं आएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आपको पहचानना पड़ेगा बेसिकली। देखो क्वेश्चन कैसा है, जैसे दिया हुआ है अ डायटोमिक गैस एक्सपेंस according to the relation PV to the power 1.3 equal to constant. Identify the incorrect statement. Incorrect statement. अब चार ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। First option says the gas expands by absorbing heat from surrounding. ये पहला पार्ट है। दूसरा स्टेटमेंट इज द गैस कूल्स डाउन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। Third statement is work done by gas is positive. Fourth statement is none of these. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट उन्होंने ये पूछा है। Okay. सबसे पहला चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये है ध्यान रखो कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है? गैस हमारा डायटोमिक है, डायटोमिक है मतलब इसके लिए हमें गामा पता है, दिस इज 1.4 पता है हमें, पता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो फिर इसके अकॉर्डिंगली गामा की वैल्यू आपकी 1.4 आएगी। अब प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा है पीवी टू द पावर 1.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या हम इस प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं तुरंत से? निकाल सकते हैं, हाँ सर। सी फॉर द प्रोसेस आपको याद है क्या था, CV plus R by 1 minus N, याद है आपको? याद है? Yes sir. CV को हम लोग R by gamma minus 1 भी लिख सकते हैं, so R by gamma minus 1 plus R by 1 minus N. आप 5R by 2 भी लिख सकते थे, बट मैंने क्यों लिखा भी आपको समझ आएगा। इसको R by 1.4 minus 1, so 1.4 minus 1 मतलब 0.4, and plus R by 1 minus of 1.3 मतलब 0.3 with a negative sign.
तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेगेटिव आ रही है, दिख रही है आपको, दिख रही है? ठीक है, मतलब इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड है या रिलीज्ड है, अब ये इस पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर का चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि जब हम डेल्टा क्यू निकालेंगे तो एन इंटू सी फॉर द प्रोसेस इंटू डेल्टा टी करेंगे, तो सी फॉर द प्रोसेस हैज कम आउट टू बी नेगेटिव, सो आई नीड टू फाइंड आउट वेदर द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और अ नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा क्यू का साइन आपको पता चल जाएगा। तो अब वो कैलकुलेट करके देखते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट। PV to the power 1.3 constant है, इसको तुरंत से एक graphically एक analysis करोगे तो तुरंत ही पता चल जाएगा, आपको कुछ mathematically लिखना ही नहीं पड़ेगा। ये volume है, ये pressure है, PV to the power 1.3 equal to constant, ये कुछ ऐसा होगा ना, होगा होगा right? Yes. Expansion हो रहा है, तो मान लेते हैं गैस हमारा इधर से इधर चला गया, ठीक है। अब ये सोच के देखो आप, अगर मैं इसको isotherm से कंपेयर करता, If I compare it with isotherm, तो isotherm less steeper होगा ना, होगा? हाँ सर। इसका मतलब कि अगर ऐसे parallel isotherms अगर draw करें, तो ये तो पता चल रहा है ना, ऊपर वाला isotherm higher temperature पे होता है। So if this temperature is T1, this temperature is T2, तो पक्का है T2 is greater than T1, right? Yes. Getting it? अच्छा T2 T1 उल्टा लिख देते हैं एक बार, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर के जनरली हम लोग T2 लिखते हैं ना, तो एक उल्टा लिख दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए। फाइनल टेम्परेचर हमारा यहाँ पे T2 है और ये T1 है, आपको समझ आ रही है फाइनल किसको बोल रहे हैं? हमारा जो प्रोसेस जो जा रहा है वो तो ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो बी स्टेट हमारा फाइनल स्टेट है ना, तो वहां का टेम्परेचर के लिए हमने T2 लिखा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि T2 इज लेसर देन T1, दिख रही है आपको, दिख रही है, दिख रही है? हाँ सर। तो क्या कंक्लूजन निकला, गैस कूल्स डाउन ना, राइट? हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, तो डेल्टा टी तो नेगेटिव हो गया, और अब अगर डेल्टा क्यू का साइन पता करना है हमें, तो एन इंटू सी फॉर द प्रोसेस इंटू डेल्टा टी लिखना है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो दो नेगेटिव चीजों का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ या नहीं, पॉजिटिव हुआ? हाँ सर। इसका मतलब गैस अब्सॉर्ब्स हीट नो, राइट? हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो उसने पहला पार्ट क्या बोला था, उसने पहला पार्ट बोला था गैस एक्सपैंड्स बाय अब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बट उसने इनकरेक्ट पूछा है, द गैस कूल्स डाउन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये भी करेक्ट हो गया, वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, जब गैस एक्सपैंड कर रहा है तो एक्सपेंशन में तो गैस पॉजिटिव ही वर्क करता है, तो ये भी करेक्ट हो गया, और उसने पूछा इनकरेक्ट, तो कौन सा इनकरेक्ट हुआ, नन ऑफ दीज? Yes, sir. समझ आई सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। Let's try another one. A fixed amount of hydrogen gas expands such that the pressure varies parabolically with respect to volume as shown. This is pressure, this is volume. This volume is V0. This is 2V0. And initial pressure is P0. This is state A and this is state B. Now they've asked us find pehla, number one, C for the process. Process ke liye molar specific heat capacity kitni hai? दूसरा वर्क डन इन प्रोसेस ए बी कितनी होगी, एंड तीसरी डेल्टा क्यू इन प्रोसेस ए बी कितनी होगी, ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, हिंट देखो, प्रेशर वेरीज पैराबोलिकली विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम,
और ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिख भी रहा है इनिशियली स्लोप जीरो है, तो वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे ही है ना, दिख रहा है आपको? हाँ, इसका मतलब क्या, हम ये लिख सकते हैं कि पी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होगा, लिख सकते हैं? तो वॉल्यूम अगर डबल हुई है तो फिर प्रेशर चार गुना होगा, राइट? प्रेशर एट बी विल बी फोर टाइम्स ऑफ प्रेशर एट ए, एंड प्रेशर एट ए आपका पी नॉट है, तो फोर टाइम्स ऑफ पी नॉट लिख लेंगे। तो ये वैल्यू उसने मार्क करके दिया नहीं है मुझे, मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, ये हो जाएगा फोर पी नॉट। ओके, अगर आप सपोजली ए पॉइंट का टेम्परेचर अपनी तरफ से कुछ एक चूज कर लो, टी नॉट है, तो पॉइंट बी का टेम्परेचर आप बता सकते हो क्या? पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, राइट? राइट, हाँ सर। तो पीवी बाई टी अगर कॉन्स्टेंट होना है तो पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट रखो आप, देखो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट 8 पी नॉट वी नॉट है, राइट? टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एट बी भी कितना हो जाना चाहिए? 8 पी नॉट। समझ आई कैसे निकाला हमने? बस पीवी बाई टी को कॉन्स्टेंट रख के निकाला है, ठीक है, गेटिंग इट? चलो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सिंस ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, देखो इस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का डिग्री कितना है? माइनस टू। ये तो ऑलरेडी हमने दिखाया था आपको एग्जांपल में, तो यही वाला लिया था। सो पीवी टू द पावर माइनस टू बीइंग अ कांस्टेंट, हमारे पास ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ऑफ डिग्री माइनस टू बन रहा है। सो अब हम सी फॉर द प्रोसेस लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू सी वी प्लस आर बाय 1 माइनस एन, एंड सिंस ये हाइड्रोजन गैस दिया हुआ था तो हाइड्रोजन गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, सो 5 आर बाय 2 एंड प्लस आर बाय 1 माइनस ऑफ माइनस 2। पिछली बार मैंने डिग्री ऑफ सीवी की वैल्यू को आर बाय गामा माइनस 1 लिखा था, और यहाँ पे मैं एफ आर बाय 2 लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और पिछली बार मुझे वैल्यू चाहिए नहीं था, मुझे बस साइन चाहिए था। आपको समझ आ रही है क्यों मैंने ऐसा किया है? कैलकुलेशन जहां से आसान दिख रहा है, जहां से आप 10 सेकंड भी सेव कर सकते हो, आपको सेव करना चाहिए वहां से, क्योंकि 10-10 सेकंड करके ही अगर आप सेव करोगे अगर हर एक क्वेश्चन में, तो ओवरऑल आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये मत सोचना कि 10 सेकंड सेव करके हम क्या कर लेंगे, अगर एक क्वेश्चन का सोचोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर बहुत सारे क्वेश्चन का सोचोगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। समझ आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए जैसा कन्वीनियंस होता है कैलकुलेशन के लिए, मैं वैसा ही कैलकुलेशन में चूज करता हूँ। So 5R by 2 and plus this will be R by 3. So this becomes 17R by 6 ho gaya. So see for the process has come out to be 17R by 6. So ye pehla part ka answer hume mil chuka hai. Dusre part mein usne humse pucha hai work done by the gas kitni hogi. To agar aapko yaad ho to work done by the gas hume nikalne ke liye, ke hum ye kar rahe the N into R by 1 minus N into delta T. Yaad hai aapko? Yaad hai? Okay. So aisa likha ja sakta hai. This is N. Yes sir. R into delta T मतलब 8 T naught minus T naught ना, चेक करो तो करेक्ट है? Yes sir. And 1 minus of N, N is minus 2, so this becomes 7 by 3 times of N R T naught. And N R T naught देखो क्या है, P naught V naught है ना, है? हाँ sir. तो यहाँ पे P naught V naught substitute कर देंगे, so this is 7 by 3 times of P naught V naught. इसको ऐसे नहीं प्रोसीड करके कोई ऐसे भी कर सकता था, जैसे इसका सेकंड स्टेप का चेंज कर सकते थे वो, मतलब ये वाले प्रोसेस से हम इधर भी जा सकते थे, जैसे बिना टेम्परेचर निकाले, जैसे अगर मान लो कि किसी को टेम्परेचर नहीं निकालना है तो वो ऐसे भी कर सकता था। इसको अगर वो ऐसे लिखे, डिनोमिनेटर तो अपना है ही 1 माइनस ऑफ माइनस 2, बट न्यूमिनेटर के लिए एन आर डेल्टा टी को उसने ऐसे लिख लिया पी बी वी बी, क्या लिख रहे हैं, ऐसे लिख लेते पी टू वी टू माइनस ऑफ पी वन वी वन, ऐसा लिख सकते हैं क्या? एन आर डेल्टा टी को हमने लिखा NR delta T, मतलब क्या है NRT2 minus NRT1, यही तो है ना? हाँ सर। तो देखो अभी सेम चीज आ रही है क्या, देखो तो P2V2 मतलब 8P0V0 and minus of P1V1 मतलब P0V0 and divided by 3, so this is basically 7 by 3 times of P0V0. आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ सर। अभी उसने लास्ट स्टेप में ये पूछा था हमसे कि डेल्टा क्यू कितनी होगी, डेल्टा क्यू इन प्रोसेस ए बी, तो ये निकालने के लिए क्या करना है, n into c for the process into delta t, ये तो करना है। so n into c for the process कितना निकाला हमने, 17 r by 6, so 17 r by 6 into delta t, so this becomes 17 by 6 times of n r delta t, n r delta t का वैल्यू ऑलरेडी अभी हमने निकाला, that was 7 p naught v naught, right? sure. so this becomes 119
P0V0 divided by 6. ठीक है, किसी कोई कंफ्यूजन, किसी कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस varies with volume as T equal to T naught e to the power alpha V, where T naught and alpha, sorry, T naught and alpha are positive constants. Find the equivalent molar specific heat capacity for the process. इस प्रोसेस के लिए इक्विवेलेंट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्या ये पॉलीट्रॉपिक है, ये तो एक्सपोनेंशियल है ना, तो पॉलीट्रॉपिक तो नहीं है ना? नहीं, नहीं है। तो आपको याद है सी फॉर द प्रोसेस इस तरह के केसेस में क्या बताया था आपको? CV plus P by N into DV by DT, यही था ना? Right? इसमें बस ऐसे याद करो, मतलब इतना रटने का नहीं है। देखो हमने क्या लिखा था, DQ लिखा था, that was equal to DU plus DW. DQ को लिखा NC for the process into DT, DU को लिखा NCV DT, and work को लिखा PDV. तो PDV divided by NDT तो आना ही है ना? है ही नहीं है? हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं है, ये याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, बस ऐसे याद रखना कि फर्स्ट लॉ को एक लिख लेना, अगर इनकेस भूल गए हो तो फर्स्ट लॉ को लिखना, नेक्स्ट लाइन में आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या आनी है। अब इसका मतलब मुझे डीवी बाई डी टी चाहिए, यहाँ से डीवी बाई डी टी तो निकाल ही सकते हैं, डी टी बाई डीवी कर लेते हैं, तो डी टी बाई डीवी दिस बिकम्स टी नॉट ई टू द पावर अल्फा वी इंटू अल्फा, ये आएगा क्या? देखो तो चेक करो एक बार, आएगा? हाँ सर। इसका मतलब ये अल्फा इंटू टी है ना, क्योंकि टी नॉट ई टू द पावर अल्फा वी तो टी है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो सकता है सी वी प्लस पी बाई एन एंड इंटू डी वी बाई डी टी चाहिए, तो डी टी बाई डी वी का उल्टा करेंगे तो वन बाई अल्फा टी, ये आएगा ना? आएगा? हाँ सर। तो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में ये रिलेशन मिले हमें, बट प्रेशर तो उसने दिया नहीं है, जो भी दिया है हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम ही दिया है, इसका मतलब प्रेशर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो प्रेशर को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, एनआरटी बाई वी लिख लेना, लिख सकते हैं ना पी को एनआरटी बाई वी? हाँ सर। तो एनआरटी बाई वी अगर सब्स्टिट्यूट करोगे एन और टी कट जाएगा, दिख रहा है आपको, तो ये जाएगा आर बाई अल्फा वी हो जाएगा ना? हाँ सर। सो ये आपका इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। अच्छा, सीवी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मोनोटॉमिक दे रखा है तो मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, सो दिस कैन बी रिटन एज 3R by 2 and plus R by alpha V. हो गया आंसर? क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The molar specific heat capacity for a certain process is arithmetic mean, arithmetic mean of CP and CV. In such process, if initially the pressure was P naught and volume changed from V naught to 2V naught, then find the final pressure. ये कितना है? अब देखो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के उसने ऐसे पूछा है ताकि आपको लगे कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया उन्होंने। उसने पूछ लिया है कि अगर इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, तो प्रेशर बताओ। तो अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन मिल जाए तो इसका मतलब है वो प्रेशर निकाल सकते हैं, राइट? हाँ सर।
इसका मतलब मुझे ये पता करना पड़ेगा ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में डिग्री ऑफ पॉलीट्रॉपिक क्या है, राइट? हाँ सर। तो उसको यूज करो, आप चेक करो सी फॉर द प्रोसेस उसने क्या दिया हुआ। लास्ट लाइन का आगे वाला लाइन में वो क्या लिखा है एक बार पढ़ देंगे। वाज पी नॉट एंड वॉल्यूम चेंज फ्रॉम वी नॉट टू टू वी नॉट, ठीक है? हाँ ओके। जो गिवन कंडीशन है वो ये है, सीपी सी फॉर द प्रोसेस इज सीपी एंड सीवी का अरिथमेटिक मीन। तो इसको लिख सकते हैं सीपी प्लस सीवी बाय 2, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू क्या लिखते हैं? सीवी प्लस आर बाय 1 माइनस एन, लिखते हैं क्या? हाँ सर। अब ये सीवी की वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये सीपी माइनस सीवी बाय 2 बन गया है। And that is equal to R by 1 minus N. मिल रहा है क्या आपको? देखो तो सर ये CP और CV का difference, ये तो खुद ही R होता है, cancel out हो गया। इसका मतलब आपको N मिल गया ना, देखो तो N की value minus 1 आ रही है क्या? आ रही है minus 1? इसका मतलब PV to the power minus 1 is a constant, और PV का power minus 1 constant है, इसका मतलब P proportional to V है ना, right? हाँ सर। इसका मतलब अगर वॉल्यूम डबल हुई है तो प्रेशर भी डबल होगा, यानी है ही नहीं है? यस सर। सिंस P2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ P1 सिंस V2 इज 2 टाइम्स ऑफ V1, दैट्स इट। तो पहले का प्रेशर P0 था तो 2P0 कर लेंगे, हो गया आंसर। गॉट इट? यस सर। ठीक है। A diatomic gas is taken from A to B as shown. This is 2p naught, this is 3p naught, ठीक है? ठीक। अब इसमें निकालना क्या है आपको? Find पहला delta u, delta u का वैल्यू कितना है, और दूसरा equivalent, अच्छा ऐसे ही लिख लेते हैं, simply c for the process लिख लेते हैं, तो already understood है, c for the process, इस process के लिए molar specific heat capacity कितनी आएगी, ये आपको निकालनी है। Okay. आपको इतना तो दिख रहा है, इस प्रेशर और वॉल्यूम का बीच का जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है, है नहीं? हां सर। बट दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, कैन यू सी दैट? यस है ना, दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट? तो अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो क्या पॉलीट्रॉपिक हुआ? नहीं सर। अगर ओरिजिन से पास होता तब पक्के से ये पॉलीट्रॉपिक हो जाता ऑफ माइनस वन, डिग्री माइनस वन, राइट? क्योंकि अगर ये पी प्रोपोर्शनल टू वी वाला केस बनता तो PV to the power minus 1 ही तो constant लिखते हैं ना। हाँ सर। समझ आ रही है? So यहाँ पे देखो, this is not passing through origin, इससे देख के आपको ये पता चल रहा है, this is not polytropic, not passing through origin, and hence cannot be polytropic, cannot be polytropic. अगर होता तो फिर पक्के से degree minus 1 का हो जाता, ठीक है? Okay. अब आपके पास तरीका क्या है सी फॉर दी प्रोसेस निकालने का? सी फॉर दी प्रोसेस निकालने का अब एक तरीका यह है कि आप डेल्टा क्यू अगर निकाल पाए तो डेल्टा क्यू को आप एन इंटू सी फॉर दी प्रोसेस इंटू डेल्टा टी करके आप सी फॉर दी प्रोसेस को निकाल पाएंगे। मतलब ये उल्टा प्रोसेस है, पहले जैसे मैंने बताया था कि अगर सी फॉर दी प्रोसेस पता है तो आप डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं, बट इस बार मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर डेल्टा क्यू निकाल पाओगे तो सी फॉर दी प्रोसेस भी तो निकाल पाओगे। समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी लॉजिक से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग एक टेम्परेचर मान रखा है, ठीक है? लेट अस से दिस इज टेम्परेचर टी नॉट इनिशियल वाले स्टेट पे, तो बताओ तो फाइनल वाले स्टेट पे टेम्परेचर कितना होगा? 3T नॉट। दिख रही है सबको? दिख रही है सबको? हाँ सर।
पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट करना है बस और कुछ नहीं है, तो ये 3t नॉट आ गया। अब देखो डेल्टा यू तो आपका इस पे डिपेंड ही नहीं करता है कि पाथ क्या है, तो डेल्टा यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा यू की वैल्यू चाहिए तो एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, सो एन टाइम्स ऑफ 5 आर बाई 2 एंड इंटू डेल्टा टी मतलब 3t नॉट माइनस ऑफ टी नॉट लिख लिया। तो अगर आप देखोगे तो यार ये 5 टाइम्स ऑफ एन आर इंटू टी नॉट आ रही है, और एन आर टी नॉट की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 2p0v0 T0 V0 नहीं सब्स्टिट्यूट करना, 2P0 V0, क्योंकि इनिशियल स्टेट पे देखो आपका प्रेशर कितना दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो ये 5 टाइम्स ऑफ 2P0 V0 आ जाएगा, दैट्स इट, सो दिस बिकम्स 10P0 V0, सो दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरे पार्ट पे है। सी फॉर द प्रोसेस चाहिए, और मैंने आपको क्या बोला, डेल्टा क्यू निकालने का दो तरीका है। एक तरीका था कि अगर आपको सी फॉर द प्रोसेस पता है तो एन इंटू सी फॉर द प्रोसेस इंटू डेल्टा टी करो, और दूसरा तरीका क्या था, फर्स्ट लॉ को यूज करो। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा यू निकाल चुके हैं और वर्क भी अब निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि इसके अंदर का जो एरिया होगा वही तो वर्क दे देगा, होगा नहीं होगा? ये वाली जो एरिया है, ये पैच ऑफ एरिया, क्या ये एरिया हमें वर्क दे देगा? हां सर देगा। बस ये तो वर्क निकाल लो पहले, सो वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स व्हिच इज 5p0 एंड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन विद व्हिच इज v0, सो दिस बिकम्स 5/2p0v0, ये वर्क हो गया है। सो क्या हम डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं? डेल्टा क्यू विल बी delta u plus w and therefore this becomes 12.5p0v0, ठीक है? And इसको by definition अब हम क्या लिख सकते हैं, this is n into c for the process into delta t and that is equal to 12.5p0v0, so n into c for the process into delta t, delta t की value को हम कैसे लिखेंगे, delta t was कितना, 3t0 minus t0 which is 2p0, right? Yes sir. C for the process becomes 12.5p0v0 divided by n into delta t which is 2t0. Sorry, क्या लिख रहा हूँ? 2t0, ठीक है? अब n t0 का value को तो आपको पता है, 2p0v0 is equal to n r t0. तो n t0 का value कितना है? 2p0v0 by n r by r. हाँ सर। उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस बिकम्स 12.5/2 मतलब 25/4 हो गया एंड इनटू p0v0 एंड डिवाइडेड बाय nt0 इज 2p0v0 बाय r, सो दिस बिकम्स 25 r/8, हो गया आंसर। देखो समझ आई है नहीं? हां सर। क्लियर है सभी को? हां सर। हां सर, ठीक है। मुझे तुम्हारी किसी भी आवाज नहीं समझ आई सर। ऊपर पिक्चर में, ऊपर पिक्चर में क्या है? क्या है पिक्चर में? ठीक है, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही बेटा, वॉइस बहुत कट रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। टू चेंबर्स ए एंड बी कंटेन सेम अमाउंट ऑफ सेम आइडियल गैस at same initial conditions. So these are two chambers, this is chamber A, this is chamber B. They have said that this is free to move and they've said that this is fixed. Now they've said the gas filled has adiabatic exponent gamma. Adiabatic exponent gamma
then if same amount of heat energy is supplied to both the gases, to both the chambers, then find the ratio of the change in temperature in them. कितना आएगा ये आपको find out करना. देखो आपको जो डायग्राम में दिया हुआ है क्या उससे प्रोसेस का पता चल रहा है आपको? ये सब आपको लास्ट क्लास में सिखाया था आइडेंटिफिकेशन. सर आइसोकोरिक. कौन सा आइसोकोरिक? बी ऑप्शन मतलब बी. हाँ एंड फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं इसको? बाहर में क्या वैक्यूम बोला है मैंने? नहीं सर. सर फर्स्ट वाला आइसोबैरिक. ये तो ऑलरेडी बताया था आपको लास्ट क्लास में. ये तो ऑलरेडी आपको बताया था लास्ट क्लास में. फिर क्यों कंफ्यूज किया? इफ द पिस्टन इज फ्री टू एक्सपैंड अगेंस्ट सम कांस्टेंट फोर्सेस लाइक एटमॉस्फेयर देन द प्रोसेस विल बी आइसोबैरिक. ये नहीं बताया था आपको? हाँ हाँ सर. हाँ सर. फिर इसका मतलब आपको प्रोसेस तो पता चल गया एक आइसोबेरिक है और आइसोकोरिक है और डेल्टा क्यू इन चेंबर ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इन चेंबर बी है बट चेंबर ए जो है वो आइसोबेरिक है. इसका मतलब एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी इन चेंबर ए एंड चेंबर बी आइसोकोरिक है सो एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा पी और डेल्टा टी ऑफ चेंबर बी. तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर चेंज का रेशियो निकालना था तो डेल्टा टी ए बाय डेल्टा टी बी दिस विल बी सी वी बाय सी पी एंड दैट इज 1 by gamma. Got it? Yes, sir. Helium gas goes through a cyclic process A, B, C, D, A as shown. B, C, D. Okay. So this is the process given and they have asked us to find pehla, number one, plot of pressure versus temperature and volume versus temperature. ये दो निकालनी है आपको और दूसरी आपको find out जो करनी है thermodynamic efficiency of cycle. इस cycle के लिए thermodynamic efficiency क्या है ये आपको find करनी है. Thermodynamic efficiency का definition थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले आपका graph plotting कर लेते हैं. A, B, C, D, A जो process है, क्या इसको अगर मैं part part में break करूँ तो सारे process आपको identify कर सकते हो कौन से process है? A, B process कौन सा है? Isochoric. Volume constant. D, C. कितना होगा? 60 नॉट.
प्रेशर कांस्टेंट रख के हमने वॉल्यूम तीन गुना कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम तीन गुना किया, तो वॉल्यूम तीन गुना होगा तो टेम्परेचर भी तीन गुना हो जाएगा, तो 2T नॉट का तीन गुना 6T नॉट, ठीक है? ठीक है, यस सर। फिर सी से डी में हमने प्रेशर हाफ कर दिया है वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, तो प्रेशर हाफ किया तो टेम्परेचर भी हाफ होगा, तो 6T नॉट का हाफ मतलब 3T नॉट, 3T नॉट। गॉट इट, समझ आई सबको? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। अब देखो, जब हमें प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करना है, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करना है, तो एबी प्रोसेस जो है आपको पता है ये आइसोकोरिक है, तो पीटी ग्राफ में आइसोकोरिक प्रोसेस आपको याद है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता था, याद है? यस सर। तो इसका मतलब है जब हम पीटी को ड्रॉ करेंगे, देखो आई एम ड्रॉइंग पीटी नाउ, दिस इज पी, दिस इज टी, एंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसमें ही कहीं पे आपको दिखाना पड़ेगा ऐसा कुछ। आई होप आपको समझ आ रही है, समझ आ रही है तो? सर हाँ बोलिए बेटा। सर आपने अभी ग्राफ क्यों ड्रॉ किया वो एक बार बोलेंगे, मैं थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा था। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, प्लॉट पीटी ग्राफ दिया। अच्छा वही चल रहा है, ठीक है सर, ठीक है। बट हाँ, इसमें ये जो हमने एरो मार्क ऊपर की तरफ लगाया ये क्यों किया, और एरो मार्क नीचे क्यों नहीं किया, मतलब पॉइंट ए ऊपर एंड पॉइंट बी नीचे, ऐसा क्यों नहीं किया? सर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, है ना? ए से बी में देखो प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा था, राइट? ठीक है, तो उसको देख के किया है। फिर आते हैं बी से सी पे, सो बी से सी एक आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो आइसोबेरिक प्रोसेस पीटी में कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। Yes. And temperature बढ़ रही है तो राइट की तरफ बढ़ाना है या लेफ्ट की तरफ बढ़ाना है? राइट की तरफ, तो ये राइट की तरफ बढ़ाया हमने, सो अभी हम पहुंच गए पॉइंट सी पे, थोड़ा और आगे कर देते हैं, ये हम पहुंच गए पॉइंट सी पे। फिर सी से डी वापस एक ऐसा प्रोसेस है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट? हाँ सर। तो ऐसा कुछ होगा, ये है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसमें ये नीचे आएगा, नीचे आएगा ना इस बार क्योंकि टेम्परेचर घट रही है। हाँ सर। बट ये नीचे आएगा तो कहाँ पे रुकेगा, जैसे यहाँ पे रोक दूं या यहाँ रोकूं या यहाँ रोकूं, कहाँ रोकूं इसको, पेन को कहाँ रोकूं? एक ही लेवल से कुछ ऊपर, थोड़ा ऊपर, एक ही लेवल से थोड़ा ऊपर, एक ही लेवल से थोड़ा ऊपर, ऐसे 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 रोक दूं? ओ नहीं सर, सेम ही होगा, प्रेशर तो कांस्टेंट होगा सर, ए में एक ही एडिटेड लेवल में ही होगा। जब आप सी से डी जहां पे भी लेके जा रहे हो, आपको ये याद रखना है कि डी से जब आप ए पे पहुंचोगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी तो पहुंचना है नहीं है? हां सर। डी से ए जो प्रोसेस था वो तो कांस्टेंट प्रेशर था, तो कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होना ही है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, देखो तो दिख रही है, आप रैंडमली कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे आपका, यहां जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ये आपका डी होना चाहिए, गेटिंग इट? इसमें ना बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी होते हैं, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मतलब जैसे ये तो मैंने ड्रॉ किया है, इसको सपोजली अगर एमसीक्यू में होता तो इसका एक और मैं आपको एक और तरह से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोजली आपको ऐसा ड्रॉ करके दिया उन्होंने, एक और ऑप्शन में आपको ऐसा दिखा रखा है जहां पे उन्होंने ये तो ड्रॉ किया, शेप भी वही रखा, बट इसको थोड़ा सा ना शिफ्टेड दिखा रखा है ऐसा, और ये वाली लाइन्स को हटा देंगे ऐसा, क्योंकि लाइन्स मार्क नहीं होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखो शेप अगर देखोगे तो एग्जैक्टली सेम रहा ग्राफ का, दिख रहा है? बट ये इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट क्यों है? क्यों? ओरिजिन से नहीं पास कर रहे, क्योंकि जो आइसोकोर्स है, आइसोकोर्स जो है वो ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहे, समझ आ रही है? हाँ सर। इनकरेक्ट क्यों है? आइसोकोर्स नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसीलिए सिर्फ शेप इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका एग्जैक्टली इंटरसेप्ट वगैरह अगर ओरिजिन से पास करता है मतलब स्ट्रेट लाइन, तो आपको वो दिखाना भी पड़ेगा ओरिजिन से पास करता हुआ, ठीक है? समझ आई आपको? ओके, मैंने पीटी तो ड्रॉ किया है, आप वीटी ड्रॉ करके दिखाओ मुझे।
वीटी आप ड्रॉ करके दिखाओ, जिसका हो जाए ग्रुप में सेंड करेंगे, डाउट क्लियरिंग वाला जो अपना ग्रुप है टेलीग्राम वाला उसमें सेंड करके दिखाइए। किसी का नहीं हुआ अभी तक सर, सेंड कर रहे हैं। भेजो। AB process was isochoric, so volume constant रखा आपने, good. फिर BC was isobaric, isobaric में straight line passing through origin, good. CD में वापस से isochoric, good. DA perfect है बेटा, ठीक है, perfect है, एक बार में अच्छा किया आपने, ठीक है, एकदम सही है. Okay sir. This is volume, this is temperature. अगर आपको ध्यान हो तो AB जो process है वो एक isochoric process था. तो isochoric process मतलब horizontal straight line होगा. So ये horizontal straight line draw किया. This is A to B. फिर BC जो process था वो isobaric था. Isobaric मतलब straight line passing through origin होना चाहिए. तो straight line passing through origin लगे. ऐसा कुछ होगा. एंड टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसलिए ऊपर की तरफ ही ग्राफ जाएगा आपका. सो ये हो गया बी से सी पहुंच गए. फिर सी से डी जब आएंगे, अब सी से डी में वापस से आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है. तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वापस से आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. सॉरी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. बट ये ध्यान रखना है आपको कि डी से ए जब आप आएंगे तो वापस से आइसोबेरिक मिलना चाहिए. तो आइसोबेरिक मतलब वापस से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए. तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको. तो ये आपका यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये पॉइंट हो गया आपकी डी. समझ आई सभी को? ठीक है, तो ये हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया. चलो ठीक है, ग्राफ का कन्वर्जन तो हो गया हमारे लिए. ओके, अब आते हैं थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी पे. थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं. थर्मोडायनेमिक efficiency, इसको ईटा से इंडिकेट करते हैं. ईटा इज वर्क डन बाय गैस एंड डिवाइडेड बाय हीट गिवन टू द सिस्टम. हीट गिवन टू द सिस्टम इसको ऐसे भी लिखते हैं, W डिवाइड बाय Q इनपुट लिखते हैं. अब इसमें सोचो, जब मैं कह रहा हूँ हीट गिवन टू सिस्टम, इसका मतलब मैं नेट हीट ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि कितना हीट उसको दिया गया है. जैसे हीट दिया अगर 100 जूल्स एंड एक्सट्रैक्ट कर लिया अगर 40 जूल्स, तो 60 मत सब्स्टिट्यूट कर देना हीट के लिए.
आपने दिया कितना था, 100 ही दिया था ना, तो इसलिए वहां पे जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो गिवन टू द सिस्टम है सिर्फ वो ही लेना है। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? ठीक है, गिवन टू सिस्टम ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट भी कर दिया मैंने ताकि आपको ध्यान रहे, गिवन टू सिस्टम मतलब कि जितना दिया है बस वो लेना है एंड नॉट एक्सट्रैक्टेड आउट, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड आउट वाला पार्ट को नहीं इंक्लूड करना है, ध्यान रखिएगा। तो हम वापस से अपने प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रोसेस था उस पे वापस आते हैं। पहले तो तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि ए बी सी डी ए ये जो चार स्टेप से बना हुआ है, इस चार स्टेप में से कौन से स्टेप में मैंने इसको हीट एनर्जी दिया है, ये तो पता करना पड़ेगा आपको पहले, है ना? ठीक है, तो वो पता करते हैं पहले कि कौन से स्टेप में हमने हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड किया है। मतलब बेसिकली आपको ये चेक करना है कि डेल्टा क्यू कहाँ पे पॉजिटिव है। पहले ए बी प्रोसेस की बात करो, ए बी प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक मतलब वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है बट टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव है, और डेल्टा यू पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव होगा क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, राइट? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, राइट? है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी इस सिस्टम ने अब्सॉर्ब किया है ना। तो जब भी हमें हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड की तरह दिखाना पड़ेगा ना, अब्सॉर्ब, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे एक एरो मार्क करके दिखाते हैं, इनवर्ड्स एरो। इनवर्ड्स एरो मतलब सिस्टम जो है वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्यू इन ए बी पार्ट, ठीक है, दिस इज क्यू इन ए बी। फिर बीसी वाले पार्ट में वापस से देखो, आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है इसका मतलब, और एक्सपेंशन भी है। आइसोबेरिक प्रोसेस में एक्सपेंशन हुआ है इसका मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव एंड टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब डेल्टा यू इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो वर्क इज पॉजिटिव, डेल्टा यू इज पॉजिटिव, सो डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव, करेक्ट? करेक्ट, यस सर। तो इसमें भी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब किया हमारे सिस्टम ने, तो इसमें भी देखो एरो मार्क अंदर की तरफ दिखा रहे हैं और यहाँ पे क्यू लिख रहे हैं, क्यू सबस्क्रिप्ट में बीसी, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? सीडी वाला प्रोसेस, सीडी वाला प्रोसेस आप देखो उल्टा हो गया, ए बी का उल्टा हो गया। सीडी में क्या हो रहा है, सीडी में टेम्परेचर घट रही है और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो वर्क जीरो है और इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव है, और इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव है मतलब डेल्टा क्यू भी नेगेटिव हो गया। इस मतलब इस बार हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम है, तो ये बाहर की तरफ, सो दिस इज क्यू इन सी डी। समझ आई है? समझ आई है? फिर वापस से डी से ए में, डी से ए में भी आपका वही है, कंप्रेशन मतलब वर्क डन नेगेटिव एंड टेम्परेचर घट रहा है मतलब डेल्टा यू नेगेटिव, मतलब डेल्टा क्यू इज ऑल्सो नेगेटिव, तो यहाँ पे हीट एनर्जी वापस से बाहर निकली है, सो दिस इज क्यू इन डी ए। तो हमारा जो क्यू इनपुट है वो क्या लिखोगे, अगर आपको डेल्टा क्यू नेट लिखना होता, डेल्टा क्यू नेट अगर ये लिखते तो क्या लिखते, क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी माइनस ऑफ क्यू सी डी एंड प्लस क्यू डी ए, लिखते या नहीं लिखते? समझ आ रही है आपको? बट इनपुट कौन सा है, सिर्फ ये है ना इनपुट, राइट? दिस इज क्यू इनपुट एंड ये वाला जो है ये आउट हो गया है, ठीक है, ये बाहर निकल गया। तो हमारे एफिशिएंसी निकालने में जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी प्लस बी सी वाले पार्ट का है। समझ आई है? ए बी कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, तो उसके लिए n into cv into delta t लिखेंगे, और bc कौन सा प्रोसेस है, आइसोबेरिक, इसका मतलब n into cp into delta t करेंगे। अब बस वही बचा हुआ है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, एरिया अंडर द कर्व, एंड एरिया अंडर द कर्व इज 2p0 - p0, वर्टिकल लाइन है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज 3v0 - v0, करेक्ट है ना? करेक्ट है। एंड q इनपुट मतलब qab + qbc, ठीक है, QAB is N into CV into delta T in process AB plus N into CP into delta T in process BC. Value substitute करें, so this is P0 into 2, so 2 P0 V0 and divided by this is N into CV, CV 3R by 2 क्योंकि helium दिया था शायद मैंने, हाँ helium, तो helium है इसका मतलब monatomic, तो फिर degree of freedom 3 होगा, so N times of 3R by 2 into temperature का change. टेम्परेचर का चेंज वॉज 2T0 माइनस T0, यही था ना, था सर। और CP is CV plus R, so this is 5R by 2, and temperature का चेंज 2T0 से वो 6T0 पे गया था, तो 6T0 माइनस ऑफ 2T0, यही होगा ना, होगा
ठीक है, अब वैल्यूज को देख ले एक बार कितनी आ रही है. सो ये हो गई 4 P0 V0 एंड देन डिवाइडेड बाय दिस इज 3 NR T0 एंड इधर कितना है आपके पास 4 into 5 is 20. So this is 23 NR T0. ये आ रही है ना, देखो एक बार चेक करो. ठीक है. यस सर. और अगर आप देखोगे तो NR T0 P0 V0 है ना, चेक कर लो एक बार डायग्राम में NR T0 की वैल्यू P0 V0 है. अच्छा, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे. सो ये P0 V0 और ये NR T0 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गई 4/23. एंड एफिशिएंसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसी को आप, ये तो फ्रैक्शन में लिखा है आपने, अगर परसेंटेज में चाहिए तो 4/23 एंड इनटू 100% कर लेंगे. हो गया आंसर. गॉट इट? यस सर. चलो भी आगे बढ़ते हैं. An unknown gas undergoes a diabetic expansion for either of the following: helium, hydrogen, or ozone. The variation of temperature and volume in logarithmic scale, in logarithmic scale, is shown. This is LNV and this is LNT and ये हमारा ग्राफ है. इंटरसेप्ट मार्क्ड है this is 4 this is 2 this is 1 and this is 4. अब उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द गैस. आपको गैस आइडेंटिफाई करना है कि गैस कौन सा होगा. कैसे करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है. उसने ये तो दे रखा है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, दिया है ना. अच्छा, और अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो टी और वी के बीच का रिलेशन क्या होता है? Since ये logarithmic scale में plotted है, log ले लो आप दोनों तरफ, तो ln t plus gamma minus 1 into ln v is equal to ln c. So ln of t will be equal to minus of gamma minus 1 into ln of v and plus ln of c. सही लिखा मैंने? ये वाली quantity तो आपकी y coordinate है, ln t ही y coordinate है ना, right? Yes. ln v ही आपका x coordinate है. अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म दिख रहा है आपको. अच्छा, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप मैच भी कर रहा है डायग्राम में, देखो नेगेटिव स्लोप है या नहीं. अच्छा, ठीक है. इसका मतलब ये जो गामा माइनस वन है, क्या इसको थीटा को देखो, मैंने मार्क किया डायग्राम में, कैन दिस बी रिटन एज टैन थीटा या माइनस टैन थीटा? मैंने एंगल देखो किधर से लिया है, आपको समझ आ जाएगा. ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? माइनस 10. थप्पड़ मारूंगा अभी गधे लो. थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? तो एक्यूट एंगल का टैन लोगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव. तो फिर इतना कॉमन सेंस नहीं है. प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए. ये है आपका 2 और ये है 3. तो ये रिलेशन कितनी आएगी? दिस विल बी 2/3. तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5/3 आई.
सर तो 5/3 मतलब क्या है मोनोटॉमिक है ना राइट सर और मोनोटॉमिक में कौन सा ऑप्शन दिया था उसने हीलियम सो देयरफॉर गैस इज हीलियम गॉट इट यस सर यस सर ओके neon gas in a given amount expands isothermally to double its volume. What should be the further fractional decrease in pressure such that when it is adiabatically compressed from that volume, it reaches its initial state. ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ही थोड़ा मुश्किल है ये देखो पहले उसने कह रखा है गिवन अमाउंट ऑफ गैस है नियॉन गैस मतलब मोनोटॉमिक दे रखा है मतलब आपको गामा पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होने से दिस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली टू डबल इट्स वॉल्यूम कंडीशंस जो दे रखा है उसको यूज करो पहले तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि इनिशियल कंडीशंस मान लेते हैं पी नॉट वी नॉट है और आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहे हैं डबल वॉल्यूम कर रहे हैं तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है अपना तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर हाफ हो चुका होगा तभी तो वॉल्यूम डबल होगा सही लिखा मैंने सही लिखा है उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द फर्दर फ्रैक्शनल डिक्रीज इन प्रेशर मतलब यहां से मुझे प्रेशर को डिक्रीज करनी है बट वॉल्यूम के बारे में उसने कुछ कहा नहीं है प्रेशर डिक्रीज करनी है बट वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं कहा है बट उसके साथ उसने ये बोला है सच दैट व्हेन इट इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड फ्रॉम दैट वॉल्यूम मतलब क्या हुआ जो वॉल्यूम में पहले था वही वॉल्यूम रहने दिया इसका मतलब उसने 2V0 का जो वॉल्यूम लिया था मतलब जो डबल किया था उस वॉल्यूम को फिक्स रखते ही उसने प्रेशर को डिक्रीज किया और उसके बाद फिर नया जो प्रेशर आएगा इस प्रेशर को मान लेते हैं पी है बट उसने वॉल्यूम को 2V0 ही रहने दिया एंड उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि इस स्टेट से अब अगर मैं इसको एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस करता हूँ इफ आई एम एडियाबेटिकली कॉम्प्रेसिंग इट इट रीचेज इट्स इनिशियल स्टेट समझ आइए आपको हाँ सर ठीक है आप एक बार देखो जैसे क्वेश्चन को रीड करो और देखो मेरा फ्लो चार्ट को फॉलो करो देखो आपको समझ आ जाएगा 30 seconds का टाइम दे रहा हूं देखो एक बार अगर समझ आ गया तो हाँ बोल देना हाँ सर समझ ठीक है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना फ्रैक्शनल डिक्रीज ऑफ प्रेशर हुआ है तो फ्रैक्शनल डिक्रीज ऑफ प्रेशर तो तभी आप निकाल पाएंगे जब आप प्रेशर निकाल पाएंगे है ना वो जो अननोन प्रेशर है पहले वो प्रेशर निकालना है ना आपको राइट ये तो आराम से निकाल सकते हैं देखो जो लास्ट स्टेज था लास्ट स्टेज से फर्स्ट स्टेज में पहुंचे किस तरह से पहुंचे एडियाबेटिकली तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन का तो एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन का रिलेशन तो लगा सकते हैं ना देखो वही लिख लेते हैं सो यहाँ पे क्या हम ये लिख सकते थे पी इंटू टू वी नॉट टू दी पावर गामा should have been equal to P naught into V naught to the power gamma. लिख सकते थे ना हाँ सर इसका मतलब जो प्रेशर आ रही है आपके पास that is coming out to be P naught divided by 2 to the power gamma. समझ आई yes sir okay अब उसने पूछा है fractional decrease in pressure डिक्रीज इन प्रेशर तो डिक्रीज में आप बिगर माइनस स्मॉलर करेंगे या फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे डिक्रीज निकालने के लिए आप क्या करोगे फाइनल माइनस इनिशियल या फिर ग्रेटर माइनस स्मॉलर
ग्रेटर माइनस वन. तो ग्रेटर कौन है, पी नॉट बाई टू या पी? पी नॉट बाई टू. तो इस केस में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पी नॉट बाई टू माइनस ऑफ पी, दैट इज ए डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिवाइड बाई इनिशियल प्रेशर विच इज पी नॉट बाई टू. क्या आपको समझ आया है? ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं किया क्योंकि अगर उसने पूछा होता फ्रैक्शनल चेंज तो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट. फ्रैक्शनल चेंज में आप फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल करेंगे, बट फ्रैक्शनल डिक्रीज बोला उन्होंने तो बिगर माइनस स्मॉलर एंड डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू. समझ आई आपको? That's it. अब तो ये आसान हो गया. So this becomes 1 minus of 2 into p by p naught. And check करो p by p naught का value already known है. p by p naught is 1 by 2 to the power gamma. So this becomes 1 minus of 2 to the power 1 minus of gamma. And gamma तो आपको already पता है ये कौन सा गैस था? Monatomic. तो 5 by 3 है. So this becomes 1 minus of 2 to the power 1 minus of 5 by 3. And therefore this becomes 1 minus of 2 to the power minus of 2 by 3. देखो कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो पूछो. कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं नहीं सर. ठीक है चलो नेक्स्ट सेशन पे मूव करते हैं. अ सर्टेन गैस इज टेकन from A to C via B and the heat energy absorbed in the process is 8 joules. This is volume in cc. This is pressure in kilopascal. And values आपको यहाँ पे दिखा रखा है. This is 200. This is 400. This is 10. And this is 20. This is point A, point B, point C. Now the question says, find the heat energy required to be supplied to the gas if it is to be taken from A to C via the straight line connecting A and C. Question clear? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर. तुम देखो यहाँ पे एटॉमिसिटी नहीं दिया गया इसका, दिख रहा है आपको? They have not provided us atomicity. Yes sir. और एटॉमिसिटी अगर नहीं दिया इसका मतलब कि डेफिनेटली वो आगे चल के कटेगा. डेफिनेट है वो आगे चल के कटेगा, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें. बट जो क्वेश्चन से कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए से सी मुझे डायरेक्टली लेके जाना है यहाँ से यहाँ, और इस ए से सी में ले जाने के लिए मुझे कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ये पूछा गया है. आपको याद है मैं लास्ट क्लास में आपको एक चीज समझा रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग अलग पाथ के थ्रू लेके जाते हैं, बट एक चीज होती है जो हमेशा सेम आती है और वो क्या है? इंटरनल एनर्जी का चेंज. इंटरनल एनर्जी चेंज. तो ए से सी में एबीसी में लेके जाऊं या डायरेक्टली लेके जाऊं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. तो इसका मतलब डायरेक्टली वो लिख लेंगे हम. सो डेल्टा यू के वाई वाई लिख लेते हैं. सो डेल्टा यू इन ए सी शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू इन एबीसी. बस यही कंडीशन आपको यूज ही करना होता है. ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी पूछे बस ये कंडीशन लिखना, अपने आप आंसर आ जाएगा. अब देखो मैं लिखते जाता हूं, अपने आप आंसर आता जाएगा. तो डेल्टा यू इन एसी कैन बी रिटन एज डेल्टा क्यू इन एसी माइनस ऑफ डब्ल्यू इन एसी. सही लिख रहा हूं, राइट? डेल्टा यू इन एबीसी इज
डेल्टा क्यू इन एबीसी एबीसी माइनस ऑफ वर्क डन इन एबीसी करेक्ट है करेक्ट है हमें निकालना है डेल्टा क्यू इन एसी सो डेल्टा क्यू इन एसी दिस बिकम्स डेल्टा क्यू इन एबीसी इज गिवन एज 8 जूल्स देखो दिया था उसने ये देखो पहला लाइन चेक करो गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू सी वाया बी एंड द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस इन द प्रोसेस वाज 8 जूल्स दिख रहा है आपको दिख रहा है तो इसको 8 लिख लिया एंड माइनस ऑफ वर्क डन इन एबीसी एंड या ऐसे लिख लेते हैं इसको उल्टा कर लेते हैं 8 plus work done in AC minus of work done in ABC. देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या? चेक करो. हाँ सर. ओके अब ग्राफ पे आते हैं. Work done in AC क्या AC के नीचे का ग्राफ होगा? AC के नीचे का एरिया होगा? So मैं दो पार्ट को अलग-अलग पैच में एरिया में ले रहे हैं. मैं just shading कर रहा हूँ अलग-अलग तरीके से. दोनों पार्ट को मैं अलग-अलग नाम दे दूँगा. Let us say this area is A1 and this area is A2. Work done in AC kitna hai? A1 plus A2? A1 plus A2. Right? So this area is, this work done is A1 plus A2. And work done in ABC is? A2. A2? Dekh rahi hai sabhi ko? Haan sir. To agar aapne isko subtract kiya to kya cut jayega? A2 cut jayega? राइट हां सर सिर्फ A1 बचा और A1 कौन सा एरिया है ट्रायंगल का एरिया ना तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर ले राइट हां सर तो इसको लिख लेते हैं सो दिस इज 8 n प्लस हाफ इनटू बेस इनटू हाइट यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना यहां पे बेस इज 200 एंड यूनिट इज सीसी तो 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करेक्ट करेक्ट मल्टीप्लाइड विद हाइट हाइट इज 10 सो 10 बट यूनिट कितना है किलो पास्कल मतलब 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब तो सारा ऐसा ही हो गया नहीं ओके 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 6 कट गया और यहां से ये 2 और 2 भी कट गया 1 आ गया इसका मतलब 9 जूल हो गया आंसर देखो कंफ्यूजन है क्या कोई कोई कंफ्यूजन है नहीं सर ठीक अ गैस इज सडनली कंप्रेस्ड to 1/4 of its initial volume. find the change in temperature if find the change in temperature if the initial temperature was 27 degrees centigrade. Assume the gas has gamma equal to 1.5. ये आपको निकालना है. क्या आपको ध्यान आ रहा है इसमें कौन सा प्रोसेस है? Adiabatic. Sudden compression, right? No time for heat exchange, right? यही लॉजिक है ना? ठीक है सो सडन कंप्रेशन देखते ही मुझे पता चल गया कि यहां पे दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक एंड एडियाबेटिक मतलब टेंपरेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन है टेंपरेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन मतलब टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 हैज टू बी अ कांस्टेंट एंड गामा का वैल्यू 1.5 मतलब इसका मतलब टी रूट वी इज अ कांस्टेंट हियर ये है ना ठीक है हां सर इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं टी टेंपर वॉल्यूम कितना किया उसने 1/4 कंप्रेस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इसका मतलब T2 इनटू रूट अंडर V1 बाय 4 दैट शुड बी इक्वल टू T1 इनटू रूट अंडर V1
इसका मतलब T2 becomes 2 times of T1. So therefore, change in temperature उसने पूछा है. That is T2 minus of T1 and that becomes T1. और T1 कितना है? 27 degree centigrade. Centigrade में नहीं. ये जो gas equations लगाते हैं, किस में लगाते हैं? Kelvin में लगाते हैं ना? है नहीं है Kelvin में? Right? हाँ sir. इसका मतलब ये कितना आएगा? 300 Kelvin. और 300 Kelvin का change लिखोगे, तो 300 degree Celsius का भी change same है ना? तो इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 300 केल्विन भी लिख सकते हो या फिर इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है. ठीक है? यस सर. P naught, V naught, T naught. And यहाँ पे एक heater coil. This is a slideable. Yeah, free to move. This is free to move. And all pistons and walls are insulated. Insulating. Now the question says, before heating, both chamber had 1 mole of monoatomic gas. After slow heating, the left chamber the pressure in it becomes 32 P0 at steady state. Now the question says, find the temperature of both chambers at steady state. दूसरा work done by gas in right chamber. ये दूसरा चीज निकालना है आपको. एंड बस ठीक है ना, काफी ये तो है. ठीक, अब आप देखो और बताओ मुझे कि आप यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हो. पहले कंक्लूजन बस बता दो. कंक्लूजन्स क्या आएंगे इससे? बताओ सर. एडियाबेटिक प्रोसेस है दोनों के लिए. सर लेफ्ट के लिए तो कह सकते हैं, लेफ्ट के लिए तो नहीं कह सकते क्योंकि हीटर कॉइल लगा हुआ है. वहां हीटर कॉइल लगा है तो हीट नहीं दे रहे क्या उसको? खाली वॉल्स इंसुलेटेड होने से ही होगा क्या? मैंने तुम्हें क्या बोला था लास्ट क्लास में भी मैंने ये बात बोली थी, शायद तुम भूल गए, कि अगर मैं सिलेंडर के अंदर एक कॉइल घुसा दूं और कॉइल को करंट कौन देगा बाहर से? सर हां सर बताया था. तो फिर सराउंडिंग से तो कनेक्टेड हो गया. हां सर बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो. हाँ बट राइट चेंबर जो है वो पक्का है, इंसुलेटेड है चारों तरफ से, है ये नहीं? हाँ सर. उसको कहीं से हीट नहीं मिल सकता, समझ आ रही है? हाँ सर.
ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखने के लिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा चेंबर हमारा इंसुलेटेड है, ये देखो ये वाला पूरा का पूरा चेंबर, सो दिस इज इंसुलेटेड या इंसुलेटेड या आइसोलेटेड भी कह सकते हो आप, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बेटर वर्ड होगा यहाँ क्योंकि इंसुलेटेड तो बाकी भी है, आइसोलेटेड, एंड देयरफॉर ये श्योर होके कह सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे एडायबेटिक होगा इसके लिए, एडायबेटिक फॉर राइट चेम्बर, फिर है, ठीक है, चलो ये तो हो गया। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या देख के कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम सब, क्या क्या कंडीशंस यूज करोगे इस तरह के क्वेश्चन? सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑन ईच साइड रिमेन सेम, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफ्यूजन थोड़ी हो रहा है, डिफ्यूजन क्या हम अलाउ कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं, तो उससे वो कंडीशन का कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, उसको यूज ही नहीं करेंगे, उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनफैक्ट। उसने बोला है जानबूझ के कि प्रेशर एट लेफ्ट चेंबर बिकम्स 32 पी नॉट, बट एक्चुअली ये दोनों तरफ का प्रेशर होगा, होगा ही नहीं। हाँ सर, स्टेडी स्टेट आ गया, स्टेडी स्टेट आ गया है, ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि जब हम हीट करते हैं तो पिस्टन स्लोली मूव करता है, बताया था ना आपको, अनएक्सीलरेटेड होता है, अनएक्सीलरेटेड बैलेंस्ड होंगे, तो फिर इसका मतलब है कि अगर ये पिस्टन धीरे-धीरे मूव कर रहा है तो लेफ्ट साइड का प्रेशर एंड राइट साइड का प्रेशर वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। लेफ्ट साइड का प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, वो आप टेम्परेचर बढ़ा के बढ़ा रहे हैं, बट राइट साइड का प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, कॉम्प्रेशन होकर बढ़ रहा है, समझ आ रही है आपको? है ना, तो वही हो रहा है, तो प्रेशर दोनों तरफ ही जो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहेगा। तो ये जानबूझ के क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कि दोनों तरफ का प्रेशर डिफरेंट है, उसने ये बोल दिया कि लेफ्ट साइड का प्रेशर 32 पी नॉट हो गया, ताकि आप ये सोचते रहो कि राइट साइड का प्रेशर क्या होगा, समझ आ रही है आपको? यस, ठीक है। स्टेडी स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेडी स्टेट इंप्लाइज पिस्टन फिक्स हो जाएगा, पिस्टन विल नॉट मूव, और पिस्टन अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब प्रेशर ऑफ लेफ्ट चेंबर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ राइट चेंबर, एंड ये भी आपका 32 पी नॉट हो गया, करेक्ट है? करेक्ट है। सो देयरफॉर राइट चेंबर के लिए अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है, फॉर राइट चेंबर क्या हम ये लिख सकते थे, पी नॉट इंटू वी नॉट टू द पावर गामा शुड बी प्रेशर इट राइट चेंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ राइट चेंबर टू द पावर गामा, ये फाइनली जो कंडीशन होगा, लिख सकते हैं? फाइनल प्रेशर जो है वो तो 32 टाइम्स हो गया, तो 32 पी नॉट लिख लिया, एंड वॉल्यूम ऑफ राइट चेंबर हमें पता नहीं है तो इसको वही रहने दिया, बट गामा कितनी है इसकी, कौन सा गैस दे रखा था, मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक गामा कितना है, 5/3, तो इसको 5/3 लिखेंगे, और यहाँ पे पी नॉट इंटू वी नॉट का पावर में 5/3 लिख लेंगे, पी नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, और यहां से अगर आप देखोगे तो आ रही है वी आर की वैल्यू इज, ये हो जाएगा 2V0, अच्छा 2 का पावर 5, V0 का पावर 5/3, एंड ये है भी आपका 5/3, देखो तो 5 तो हटा सकते हैं ना, यहां से हटा सकते हैं, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, ये 2 का पावर -5 होगा, ये डिवाइड होगा, ये चेक करो, ठीक है भाई, देखो एक बार, तो यहाँ से अगर मैं अगर वी आर लिखे फाइनली वी आर, तो ये आ जाएगा वी नॉट बाई 2^3 मतलब 8, दिख रही है आपको, तो फाइनल वॉल्यूम राइट चेंबर की वी नॉट बाई 8 हो गई है, देखा आपको? हाँ सर। तो टेम्परेचर ऑफ राइट चेंबर क्या होगा आपके लिए, क्या लिखोगे आप, पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, राइट, तो क्या लिखेंगे, PR divided by P naught V naught into T naught, यही लिखेंगे ना, और ये वैल्यूज कितनी है, PR is 32 P naught, VR is V naught by 8, this is P naught V naught and into T naught, so this becomes 4 T naught. तो राइट चेंबर का जो टेम्परेचर है वो आपका 40 नॉट हो जाएगा। अब लेफ्ट चेंबर पे आते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट चेंबर अब कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट चेंबर विल बी 2V0 माइनस ऑफ V0 बाय 8, सही लिखा है क्या मैंने? हाँ सर। सो दिस बिकम्स 15V0 बाय 8, एंड देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ लेफ्ट चेंबर अगर निकालनी है, सो दिस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ लेफ्ट चेंबर चाहिए अपने को,
So this will be pressure of left chamber into volume of left chamber divided by P naught V naught into temperature T naught. So pressure of left chamber is 32 P naught. Volume is 15 V naught divided by 8 divided by P naught V naught and into T naught. P naught V naught to cut jayega, ye 8 4 se ho jayega, and that will be 60 times of T naught. 15 for the 60. 60 T naught aagaya. 60 guna multiply hona padega. Ye unusual UI hai. ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इतना बड़ा कभी हो नहीं सकता, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सो ये 60 T0 आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। अब वर्क डन बाय गैस ऑन राइट चेंबर, एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में वर्क की वैल्यू कितनी लिखते हैं? एन इंटू आर बाय गामा माइनस वन, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू ही है, तो R by gamma minus 1 ये negative के साथ into delta T, ये होगा ना? देखो चेक करो, N CV delta T लिखा है, दिख रहा आपको? हाँ सर। तो this becomes N तो 1 mole है, दे रखा उसने तो 1 into R and temperature का change is 4 T naught minus T naught and divided by gamma minus 1, 5 by 3 minus of 1, so this becomes minus of 3 by 2 times of 3 RT0 and RT0 is P0 V0, so this becomes minus of 9 by 2 P0 V0. Check karo ek bar. Koi confusion? Koi confusion hai? Aap ho ya line pe ya kat gaye? Connection chala gaya kya? नहीं सर, नहीं सर, नहीं है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस हैज इट्स इंटरनल एनर्जी वेरिंग विथ volume as U proportional root V. U proportional root V. Find pehla W and delta Q to increase internal energy. Internal energy by 200 joule. Second part is C for the process. Is process ke liye molar specific heat capacity kitni ye nikal liye. Ab aise questions sare jo hain ye sare ye aapke polytropic process ke category mein hi padte hain, kyunki aapko pata hai internal energy kiska function hai, temperature ka function hai na, hai nahi hai? तो इनडायरेक्टली उसने टेम्परेचर और वॉल्यूम का ही रिलेशन दिया है ना आपको, दिया नहीं दिया है? As इंटरनल एनर्जी खुद आपका टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू रूट वी, ये तो लिख सकते हैं। और पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है, तो टी की जगह पे हम पीवी भी लिख सकते थे, तो पीवी भी प्रोपोर्शनल टू रूट वी आएगा, लिख सकते हैं। इसका मतलब P V to the power half is a constant आ गया। तो क्या आपको polytropic का degree पता चल गया? हाँ sir। कितना half? 1/2। 1/2। That's it। इसका मतलब अब अगर C for the process निकालनी है आपको, C for the process will be C V plus R by 1 minus of N। And monatomic दे ही रखा है हमने। देखो monatomic दिया है। तो इसको लिखोगे तो आप लिखोगे 3 R by 2 n plus r by 1 minus of half. So half आ जाएगा 2 पर. So यह आ जाएगा 2 to the 4, 4, 3, 7. 7 r by 2. दिख रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो molar specific heat capacity तो अपने calculate कर लिया है. अब उसने work पूछा और delta Q पूछा है. Delta U के terms में, delta U तो निकाल चुके हो. अब देखो, delta U की value जब आप लिखोगे, तो आप लिखोगे n CV into delta T. N और delta T तो नहीं पता है आपको, बट सीवी तो पता है, तो क्यों ना ऐसा करें, रेशियो के साथ कैलकुलेशन करें। ये चीज मैंने आपको लास्ट डे भी समझाई थी
कि अगर डेल्टा टी एन डेल्टा टी नहीं पता है आपको, तो उस केस में आप रेशियो से कैलकुलेशन करोगे तो वैसे ही तुरंत से निकल जाएगा। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा यू, तो ये हो जाएगी आपकी एन इंटू सी फॉर द प्रोसेस इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे लिख रहे हो तो आप लिख रहे हो एन सी वी डेल्टा टी, तो एन डेल्टा टी तो कट ही जाएगा आपका। तो सी फॉर द प्रोसेस आपने निकाल रखा है, दिस इज 7R/2 एंड डेल्टा यू विल बी 3R/2, तो आर बाई टू कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 7/3। इसका मतलब डेल्टा क्यू दैट विल बी 7/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, विच इज बेसिकली इसको लिख सकते हैं आप 7/3 टाइम्स ऑफ 200, सो दिस इज 1400 जूल्स बाई 3। समझ आई सभी को? समझ आई? अब तो W निकाल सकते हैं, W क्या आएगा, डेल्टा Q माइनस डेल्टा U आएगा, तो डेल्टा Q आप निकाल चुके हो 1400 बाई 3 एंड माइनस ऑफ 200, सो दिस बिकम्स 800 बाई 3, 800 बाई 3 आंसर होगा। देखो समझ आई सभी को? समझ आई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 मोल्स ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस इज इनक्लोज्ड इनसाइड अ चेंबर एंड द हीटर supplied heat energy at the rate of 35 joules per second. Consequently, the gas undergoes expansion such that T proportional to V to the power 4. डायग्राम भी दे रखा है आपको। This is इस पिस्टन के लिए आपको डेटा दे रखा है, इसका एरिया इज 1 meter square एंड मास इज 2 kg, ये दिया हुआ है। एंड दे हैव आल्सो सेड नेग्लेक्टिंग द वर्क done by atmosphere in expansion find the speed of piston twenty seconds later. देखो पॉलीट्रॉपिक है ना, है पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। देखो इसको मैं पॉलीट्रॉपिक पे वापस से रिड्यूस कर रहा हूँ, तो टी वी टू द पावर माइनस 4 इज अ कांस्टेंट, इसका मतलब टी वी टू द पावर एन माइनस 1 कांस्टेंट होता था, तो एन माइनस 1 का वैल्यू बेसिकली माइनस 4 है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया माइनस 3, है ना, पॉलीट्रॉपिक ऑफ माइनस 3 डिग्री, पता चल रहा है आपको, ठीक है। सपोजली हमें ये पता चल जाए, देखो उसने ये कह रखा है नेग्लेक्ट करना आपको वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर, तो पिस्टन के ऊपर वर्क कौन करेगा, एक है गैस वर्क करेगा और दूसरा कौन एटमॉस्फेयर वर्क करेगा, है ना, यही तो दोनों वर्क करेंगे। 35 जूल्स ऑफ एनर्जी अगर आप पर सेकंड दे रहे हो तो ये स्लो हीटिंग नहीं है, ये बहुत क्विक हीटिंग है,
मतलब जल्दी जल्दी, मतलब ये जो कॉइल है ये काफी यू नो हाई पावर रेटेड कॉइल है, जिसको मतलब स्विच ऑन करते ही बेसिकली काफी गर्म होना शुरू हो गया, जैसे गीजर में होते हैं, गीजर में वो हाई रेजिस्टेंस के कॉइल होते हैं, तो जिसकी वजह से वो तुरंत से ही उसमें इतना ज्यादा हीट एनर्जी वो जनरेट करना शुरू करता है कि वो तुरंत ही गर्म हो जाता है चीजें उससे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, इसीलिए पिस्टन जो है वो आपका एक्सेलरेट करके भागेगा इस केस में, ये पिस्टन जो है स्लो नहीं भाग सकता, इसीलिए उसकी स्पीड निकालने का एक लॉजिक भी बन रहा है। बट हाँ, अगर आपको इसका स्पीड निकालना होता तो आप अगर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते तो आप ये लिखते हैं कि वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर शुड हैव बीन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखते आप, लिखते या नहीं लिखते? बट एटमॉस्फेयर का तो कोई वर्क आएगा नहीं, क्योंकि उसने नेग्लेक्ट करने ऑलरेडी बोल दिया। इसका मतलब वर्क डन बाय गैस ऑन द पिस्टन विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो लिखना है। यस सर। तो बस आपका मेन ऑब्जेक्टिव अब ये फाइंड करना है कि वर्क डन बाय द गैस कितनी है, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वी मिल जाएगा। अब वर्क डन निकालना है तो क्या हमें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क निकालना आता है? आता है नहीं? वर्क डन की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप बताओ? एन इंटू आर बाय वन माइनस एन इंटू डेल्टा टी, यही था ना? यही था। एन डेल्टा टी के बारे में अभी नहीं सोचो, उसको वैसे ही रहने दो। तो इसको लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाय फोर, ये आएगा राइट। अगर आप सी फॉर द प्रोसेस निकालते तो कितना आता? सी वी प्लस आर बाय वन माइनस एन, मोनोटॉमिक मतलब थ्री आर बाय टू एन प्लस आर बाय फोर, सो दिस बिकम्स टू थ्री जो सिक्स सेवन आर बाय फोर, यार ये ठीक है। तो 7R by 4 आपकी C for the process हो गई है। तो delta Q की बात करें तो कितनी आएगी? N into C for the process which is 7R by 4 into delta T, लिख सकते हैं? अगेन देखो ये वापस से वही चीज हो गया, मुझे delta T नहीं पता बट मुझे delta Q तो पता है ना, क्योंकि 20 सेकंड में कितना एनर्जी उसको दिया ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि 35 जूल्स पर सेकंड दे रहे थे ना हीट करके, राइट? तो 35 जूल्स पर सेकंड से 20 को मल्टीप्लाई कर दे तो हीट सप्लाइड मिल जाएगा। तो ये हीट सप्लाई डेल्टा क्यू पता है तो वर्क तो आराम से निकाल सकते हैं, रेशियो लेके कर सकते हैं ना हम, तो वही काम करेंगे हम यहाँ पे। सो वर्क डन बाय गैस डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 4/7 आ रही है, क्लियर है? ठीक है। सो देयरफॉर वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू 4/7 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू एंड बाय डेफिनेशन दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन। So therefore, 4/7 times of delta Q, which is 35 joules per second into 20 seconds, and that should be equal to half into mass. Mass is वही यार 2 kg. So 2 into v square हो गया. ये 2 तो cancel out हो जाएगा. अच्छा 4/7 था ना, क्या लिखा मैंने? 4/7. ये 7 आपका 5 से cancel out हो जाएगा. 4 5 are 20. तो v की value आ गई आपके पास 20 meter per second. देखो समझ आई या नहीं? हाँ। समझ आई है सभी को? हाँ सर। ठीक है। टू मोल्स ऑफ एन आइडियल monoatomic gas is taken through a cyclic process A, B, C, A as shown. This is pressure and this is temperature. A, B, C. This is T1,
this is 2t1. And this is p1, and this is 2p1. इसमें दिया हुआ है इन प्रोसेस ए बी पी टी का प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट दे गिवन दस. और एक और चीज दिया हुआ है और ये पहला दिया हुआ है और दूसरा एक और चीज दिया हुआ है T1 का वैल्यू इज 300 केल्विन. नाउ निकालना क्या है फाइंड द फर्स्ट पार्ट इज वर्क डन बाय गैस इन ए टू बी ए बी प्रोसेस में दूसरी डेल्टा क्यू फॉर ईच प्रोसेसेस ए बी बी सी एंड सी ए ये तीनों प्रोसेस के लिए निकालें. ओके पीटी अगर कांस्टेंट है तो पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको कर सकते हैं सर. टी को रिप्लेस कर दिया पीवी से तो पीवी का प्रोडक्ट फिर से तो पी स्क्वायर वी कांस्टेंट हो गया मतलब पी वी टू द पावर हाफ ये कांस्टेंट है कह सकते हैं सर. इसका मतलब ये हो गया कन्वर्ट पॉलीट्रॉपिक ऑफ डिग्री हाफ. अब उसने पूछा वर्क डन इन प्रोसेस ए बी सो वर्क डन इन ए टू बी पॉलीट्रॉपिक ही है तो दिस विल बी एन इनटू आर बाय वन माइनस ऑफ एन इनटू डेल्टा टी सो दिस बिकम्स एन इनटू आर बाय हाफ एन इनटू डेल्टा टी ए से बी. ए से बी अगर आप देखोगे तो 2t1 से t1 गया है दिख रहा है आपको दिख रही है आपको है ना. और नंबर ऑफ मोल्स देखो आपको दिया हुआ है 2 मोल है दिस वाज 2 मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये हो जाएगा आपके लिए दिस इज 2 एंड दिस इज फाइनल टेंपरेचर इज T1 माइनस ऑफ 2T1 सो दिस बिकम्स 4R इनटू T1 विद अ नेगेटिव साइन एंड T1 का वैल्यू वाज 300 केल्विन दिया हुआ था देखो T1 का वैल्यू वाज 300 केल्विन सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ 1200 R हो जाएगा दैट्स इट. अगर R के टर्म्स में आंसर दिया हुआ तो वहीं छोड़ देंगे और अगर R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो 8.3 सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं. 8.3 की जगह आप 25/8 भी यूज कर सकते हैं वहां से भी कैलकुलेशन आसान होगा. दिस फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट पे जाते हैं. सेकंड पार्ट में उसने पूछा है इंडिविजुअली सारे प्रोसेस के लिए आपको डेल्टा क्यू चाहिए तो AB के लिए सबसे पहले तो AB के लिए अगर डेल्टा क्यू चाहिए तो आप वर्क निकाल चुके हो आप डायरेक्टली डेल्टा यू को इसमें ऐड कर दोगे तो भी मिल जाएगा और या फिर n इंटू सी फॉर दी प्रोसेस इंटू डेल्टा टी तो सी फॉर दी प्रोसेस भी निकालना पड़ेगा तो उल्टा ही कर लेते हैं वर्क तो निकाल ही चुके हैं बस डेल्टा यू निकाल के ऐड कर लेते हैं तो डेल्टा यू निकाल लें डेल्टा यू इन ए बी दैट विल बी n इंटू सी वी सी वी इज 3R/2 मोनोटॉमिक के लिए एंड इंटू डेल्टा टी सो दिस बिकम्स 2 और n तो कट जाएगा सो दिस बिकम्स 3R इंटू माइनस ऑफ T1 एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 3 × 3 3 × 3 = 9 so minus of 900 R आ जाएगा so therefore delta Q in AB that will be delta U plus W so minus of 900 R plus minus of 1200 R and that becomes minus of 2100 R आ जाएगा. समझ आई है? Yes sir. Clear है ना? हाँ sir. एक बार बस कैलकुलेशन चेक कर लेना कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है. मोनोटॉमिक दे दिया था 3R/2 एंड डेल्टा टी टी वन इज ठीक है 300 3R इनटू T1 T1 was 300 T था 920. So this is delta Q in AB निकल गया. अभी आए वापस से BC पे. BC कौन सा प्रोसेस है? BC कौन सा प्रोसेस है? Isobaric. Isobaric. तो isobaric के लिए क्या यूज़ करेंगे? NCP delta T and delta T is 2 T1 minus T1. So delta Q in
BC process. That will be N into CP into delta T. So this becomes N into CP. CP is 5R by 2. 2 and N cancels out. And temperature ka changes 2T1 minus T1, which is T1 only. So this becomes 5R into T1. And T1 is 300. So this is 1500 R aa jayega plus ke saath. BC ke liye nikal gaya. Ab delta Q nikalenge CA ke liye. CA kaun sa process hai? Isothermal, right? Yes. Right? And isothermal ke liye agar aapko yaad ho, to delta Q is equal to delta W, right? Hai na? Kyun? Kyunki delta U zero ho jayega, right? Yes, sir. Work done kya hoti hai? NRTL and V2 by V1. So NR into temperature. Temperature is 2T1. And into LN of V2 by V1, which is same as pressure P1 by P2. Right? Correct? Hai? Yes, sir. So isko likh sakte hain aap. 2 times of 2, 2 into 2, 4. 4 into 3 is 1200. So 1200 R into LN of final pressure. P1 is initial pressure. Initial pressure is 2P1. And final pressure is P1. So 2P1 by P1. So this becomes LN2. So this is 1200 R LN2. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Theek. The amount of heat energy supplied to a gas equals the decrease in internal energy. Internal energy. Find the process equation. Process equation in terms of gamma. In terms of gamma, adiabatic exponent ke terms mein aapko chahiye. Okay, just jo condition diya usko use karte hain. Usne de rakha hai ki heat jo supplied hai that is equal to the decrease in internal energy. Matlab negative of delta U. Aisa likha ja sakta hai kya? Likha ja sakta hai? Agar internal energy bada hai delta U amount se. Yes. Samajh aa rahi hai aapko kya keh raha hu main? हाँ सर ठीक हाँ सर तो वो नेगेटिव डाला अगर चेंज बोलते तो फिर डायरेक्टली डेल्टा यू बट वो चेंज अगर वो होता अगर डेल्टा क्यू डायरेक्टली डेल्टा यू ही लिख रहे हो इसका मतलब वो आइसोकोरिक ही है तो यहाँ पे फिलहाल के लिए ये दे रखा उसने कि हीट सप्लाइड टू द गैस इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी तो ये हमने कंडीशन लिख लिया अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं ये तो डेफिनेशन ही फर्स्ट लॉ है इसका मतलब इस प्रोसेस के लिए वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ डेल्टा यू तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है दिस इज एन इनटू आर बाय 1 माइनस एन इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 इनटू एन सीवी इनटू डेल्टा टी ऐसा लिखा जा सकता है क्या हां सर एन डेल्टा टी तो कट जाएगा देखो एन डेल्टा टी कट गया और सीवी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं गामा के टर्म से क्योंकि उसने गामा के टर्म से ही पूछा हमें So this will be R by gamma minus 1. And यहाँ पे आ रही है आपके पास R by 1 minus of N आ रही है. यहाँ से R gets cancelled out. और यहाँ से आपके पास value आ रही है 1 minus N की value मिल रही है हमें. This is gamma minus 1 divided by 2 with a negative sign. तो N की value हो गई है 1 plus gamma minus 1 by 2. So this is 2 plus gamma minus 1. मतलब 1 plus gamma divided by 2. दिख रहा आपको दिख रहे हैं हाँ सर अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक किया शायद क्या वन माइनस एन ये तो चला गया क्यों रख दिया वन माइनस एन इधर गा माइनस वन इधर टू इधर ठीक ही तो है फिर ये इधर वन प्लस ठीक ही तो अच्छा आंसर इसका क्या था
ठीक है सर, अभी देखो यहाँ पे, तो इसे फाइनली आपके पास रिलेशन क्या बन गया, पी वी टू द पावर एन, ये कॉन्स्टेंट होता है ना, तो इसमें क्या लिखोगे आप, पी वी टू द पावर गामा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये क्या होना चाहिए आपका, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, उसने प्रोसेस इक्वेशन पूछा था, प्रोसेस इक्वेशन निकल गया, क्लियर है? चलो भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिखाए, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते थे सारे आपको दिखा दिए, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, डिसोसिएशन ऑफ अ डायटोमिक गैस। अभी देखो सपोजली मान लेते हैं कि क्वेश्चन गिवन है कि डायटोमिक गैस अपना X2 है, कोई भी मान लेते हैं, लेट अस से लेट X2 बी एनी डायटोमिक गैस, एंड मान लो इसमें इससे साथ ये भी दिया हुआ है अ फ्रैक्शन X, स्मॉल X ले रहे हैं, ठीक है, अ फ्रैक्शन X ऑफ इट dissociates. तो इस केस में अगर मान लो कि हम इक्वेशन दिखाए तो कैसे दिखाएंगे, x x2 is getting dissociated to 2x, तो इनिशियल में अगर मान लेते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर हम लिखें तो इसके नंबर ऑफ मोल्स n थे, इसका जीरो था, बट आफ्टर डिसोसिएशन फाइनली अगर लिखें तो अगर x फ्रैक्शन डिसोसिएट कर गया तो बचा हुआ कितना रहेगा, 1 minus x, है ना, तो 1 minus x into n number of moles बचा हुआ है, तो फिर बना कितना है, 2nx, ये बना ना, बना नहीं बना। अब इस तरह के questions में क्या होता है कि generally आपको क्या देते हैं वो, उसमें दो तरह के questions आप देखोगे dissociation से related जो पूछते हैं, पहला केस ये होता है कि उसने कह रखा है कि टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो आपने इसको हीट करके डिसोसिएट कराया है फिक्स चेंबर में, उसने एक क्वेश्चन में मतलब ये दे रखा है, मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ फिर आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर डज नॉट चेंज ऑन हीटिंग इन फिक्स चेंबर, ये उन्होंने दे रखा है। अब ये सोचिए देखो, अगर फिक्स चेंबर दे रखा है इसका मतलब क्या है, आइसोकोरिक हो गया ना, है नहीं है फिक्स चेंबर, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट इस केस में डेल्टा क्यू की वैल्यू आप डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखते हो, तो आप अगर सोचोगे कि आइसोकोरिक है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं किया है, अब आप ये भी सोचोगे टेम्परेचर भी चेंज नहीं किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो, अब जैसे ये सोचा आपने तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज को हम एन सीवी डेल्टा टी तब लिखते हैं जब एन और सीवी फिक्स्ड होता है ना, बट यहाँ पे तो एन और सीवी दोनों ही चेंज कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रहा है डिसोसिएशन की वजह से, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी चेंज हो रहे हैं डिसोसिएशन की वजह से, इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है उसके बावजूद आपका डेल्टा यू तो चेंज हो रहा है, आपको बात समझ आ रही है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आप ये जरूर लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू से मैच करेगी, बट इसको आप एन सी वी अगर डेल्टा टी लिख दिया आपने तो ये गलत हो गया, समझ आ रही है, दिस इज नॉट इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, आर यू गेटिंग इट, यस सर। तो अब ये कैसे निकालेंगे, अब उसकी बात कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है, बस ये लिखना है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है ये लिखो, इंटरनल इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी है वो लिखो और उनका डिफरेंस ले लो, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी किसका किसका लिखना है आपको ये बताओ मुझे, 1 minus x into n, ये किसका नंबर ऑफ मोल्स है, डायटोमिक का, है ना, तो डायटोमिक का एनर्जी कितनी लिखो गया, n cv डेल्टा t लगाओ, तो 1 minus x into n, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5, तो 5r by 2 into t, plus 2nx is the number of moles, degrees of freedom is 3, so 3r by 2 into t, दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल एनर्जी, इसको ऐड अप कर लेते हैं एक बार, देखें ऐड अप करने पे कितनी आ रही है, सो दिस इज एन आर टी बाई टू, कॉमन आउट कर लिया, और यहां से आ रही है 5 माइनस 5x एंड प्लस 6x,
So this becomes nRT by 2 and into 5 plus x. Okay, this final energy. What was the initial energy? Initially, what was it? N moles pura diatomic, right? And same temperature T pe tha, temperature to change nahi kiya hai, to kya likhenge aap? N times of 5 R by 2 into T. Yehi to likhoge. So energy ka change kitna hua? So delta Q will be equal to delta U, which is equal to final energy minus of initial energy. So this becomes N R T by 2 into 5 plus X minus of 5 N R T by 2. So this becomes N R T by 2 ko common out lele fir se. And यहाँ पे आपके पास 5 plus x minus 5, 5 5 cancel out हो गया, and this is coming out to be x times of n into rt by 2. आपको याद है कि x क्या indicate कर रहा था? Fraction of the number of moles that dissociated, और n was the initial number of moles. तो nx क्या indicate कर रहा है? The number of moles that dissociated. Yes sir. तो इसका मतलब है आपको ये तो आपको standard result की तरह याद रखना काफी आसान हो गया. So delta q की value इस तरह के केस में जो आएगी वो डेल्टा यू से मैच करती है, एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स दैट डिसोसिएटेड इनटू आरटी बाय 2. हो गया आंसर? गॉट इट? इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं क्योंकि टाइम बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ये थोड़ा लंबा है, मतलब क्योंकि आपको कैलकुलेशन में काफी ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा. तो बेस्ट है आप इसको याद रख लीजिए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसमें वैरायटीज बनता नहीं है. बस ये एक चीज पूछते हैं और एक चीज है मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये दूसरे पार्ट में लिखेंगे. But ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स दैट डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स दैट डिसोसिएटेड. ठीक है, ये हो गया आपका केस वन. केस वन हमने कवर अप किया है. ओके, केस टू आपसे क्या पूछते हैं? केस टू आपको ये बता देंगे वो कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करती है ड्यू टू डिसोसिएशन, ये वो बता देंगे आपको. इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज अपॉन डिसोसिएशन. देखो अब एक चीज सोच के देखो, इंटरनल एनर्जी को आप लिखते हैं तो एन सी वी टी लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहा है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ रहा है डिसोसिएशन की वजह से, और मैं कह रहा हूं कि एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है तो पक्का है टेम्परेचर घटा होगा ना. समझ आ रही है आपको? तो बस यही कंडीशन आपको लिख लेने हैं कि आपको जनरली ये पूछते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन ही बस आपको ध्यान रखना है कि लिखने का तरीका क्या है. सो यहाँ पे एज नंबर ऑफ मोल्स and degree of freedom, DOF मतलब degree of freedom, changes या changes नहीं increases, specifically लिख देते हैं increases upon dissociation, temperature has to decrease to keep internal energy constant. So therefore, अब ये लिख रहे हैं, फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी. फाइनली जो था वो क्या था आपके पास याद है? लिखने का तरीका एग्जाम्पली यही दिख रहा है आपको, फाइनल एनर्जी ये लिखने का तरीका. तो डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ, कितना आ रहा है? एन आर टी बाई टू इंटू फाइव प्लस एक्स आ रहा है ना, तो मैं वही लिख दे रहा हूँ. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज एन इंटू आर इंटू टी टू बाई टू इंटू फाइव प्लस एक्स. एंड इनिशियल एनर्जी कितना था? वो तो इनिशियल तो सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है. So this will be n into 5r by 2 into t1. ये लिखेंगे आप, right? Yes, n cancels out, r by 2 cancels out, and यहाँ से देखो, आपको t2 by t1 का रेशियो मिल गया. This is coming out to be 5 by 5 plus x. हो गया आंसर. Got it? Clear है? Yes sir. Okay. नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं. फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट सीपी सीवी डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गामा फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस.
अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे मान लो कि अगर आप दो गैसेस को मिला के एक मिक्सचर बनाते हो और उस मिक्सचर के लिए अगर आपको इक्विवेलेंट कुछ भी पूछा है तो आपको मतलब ये निकलता है कि हम क्या करते हैं, अगर सिस्टम की एनर्जी लिखना चाहते हैं, सिस्टम की एनर्जी, तो आप इंडिविजुअली आप एक एक जो गैसेस हैं उन दोनों का एनर्जी लिखो और सम कर दो, तो उससे जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की मिल रही है। अगर आप सेम अमाउंट में अगर आप एक हाइपोथेटिकल गैस इमेजिन करना चाहते हो, हाइपोथेटिकल गैस, तो उसका सेम अमाउंट में लेने पे कितना इंटरनल एनर्जी आना चाहिए वो मैच करा दो दोनों से, दोनों के सम से, तो बस इसी से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्विवेलेंट मिल जाएगा या सीपीसीवी जो भी चाहिए वो भी मिल जाएगी। अब देखो यहां से इसको मैं ये लिख रहा हूँ, जो फर्स्ट गैस है मान लेते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स एन वन है और उसका सीवी जो है वो सीवी वन है। टेम्परेचर तो दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों को सेम चेंबर में आपने रखा हुआ है, तो एन वन सीवी वन इंटू टी प्लस एन टू सीवी टू इंटू टी, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपका सेम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स एन वन प्लस एन टू इंटू सीवी मिक्सचर का, तो सीवी मिक्सचर लिख रहे हैं एंड इंटू टी, टी गेट्स कैंसल आउट एंड यहाँ से देखो आपको सीवी मिक्सचर की मिल गई है, सो सीवी मिक्सचर बिकम्स एन वन सीवी वन प्लस एन टू सी वी टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। तो जब तक आपसे पूछा नहीं जा रहा है तब तक आप ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है सब निकालने में, अगर सी वी का मिक्सचर का पूछा गया है तो निकालो, अगर नहीं पूछा है तो कभी भी सब चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये तो हमारा सी वी मिक्सचर का मिल गया। अब अगर सी वी मिक्सचर का मिल गया है तो इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लिखा जाए तो क्या हम इसको ऐसा ले सकते हैं, एफ मिक्सचर इंटू आर बाई टू इज इक्वल टू एन वन इंटू F1 R by 2 plus N2 into F2 R by 2 and divided by N1 plus N2। अगर आप देखोगे तो R by 2 cancel out हो गया, तो degree of freedom भी मिल गई है, F mixture की जो मिल गई है, that is N1 F1 plus N2 F2 divided by N1 plus N2। ये भी equivalent degree of freedom mixture की, ठीक है, ये भी मिल गया आपको। फिर अभी अगर आप चाहते हैं, सपोजली आप चाहते हैं कि गामा मिक्सचर का निकालना, अच्छा गामा मिक्सचर बाद में कर लेते हैं, पहले सीपी निकाल लेते हैं, इस पे प्रोसीड करें, तो अगर मैं सीपी मिक्सचर का चाहिए तो सीपी मिक्सचर का दैट विल बी सीवी मिक्सचर का एन प्लस आर, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर? हाँ सर। और सीवी मिक्सचर तो आप निकाल चुके हो, एन वन सीवी वन प्लस एन टू सीवी टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, और इसमें आपको R को ऐड करना है, तो ये देखो इनडायरेक्टली क्या आ रहा है, N1 CV1 plus R plus N2 CV2 plus R and divided by N1 plus N2, which is basically N1 CP1 plus N2 CP2 and divided by N1 plus N2, this is CP mixture का। तुम अगर देखोगे तो सारा फॉर्मूला एक जैसा ही हो गया ना, हो गया नहीं? हाँ सर। N1 CV1 plus N2 CV2 divided by N plus N2, N1 F1 plus N2 F2 divided by N1 plus N2, N1 CP1 plus N2 CP2 divided by N1 plus N2, तो सारा मिक्सचर फॉर्मूला एक ही है। तो अब अगर गामा मिक्सचर निकालनी है, सो देयरफॉर गामा मिक्सचर का चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, दिस विल बी CP मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV मिक्सचर, और इसके लिए वैल्यू लिखोगे तो N1 CP1 plus N2 CP2 divided by N1 CV1 plus N2 CV2 करना पड़ेगा, या फिर इससे एक बेटर तरीका है क्योंकि इसमें मेहनत कम करना पड़ेगा, वो जो CV हमने जो इंटरनल एनर्जी इक्वेट किया था, इंटरनल एनर्जी इक्वेट किया था, उसी इक्वेशन से फर्दर प्रोसीड करें। अगर देखो, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था U system was equal to U1 plus U2, और यू सिस्टम में हमने लिखा था तो एन वन प्लस एन टू इन टू सी वी, सी वी की जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं आर बाई गामा माइनस वन, और ये गामा आपका मिक्सचर का गामा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू एन वन इंटू आर बाई गामा वन माइनस वन प्लस एन टू इंटू आर बाई गामा टू माइनस वन। टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, टी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देयरफॉर एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाई गामा मिक्सचर माइनस वन is equal to n1 by gamma 1 minus 1 plus n2 by gamma 2 minus 1, ये मिल गया। इससे भी एक बेटर तरीका है, इससे भी बेटर तरीका, इससे बेटर तरीका क्या है? अगर आपको अगर याद हो तो गामा मिक्सचर की वैल्यू को
हम 1 प्लस 2 बाई एफ लिख सकते थे, मतलब गामा की वैल्यू को 1 प्लस 2 बाई एफ लिखते हैं, यहाँ पे बस आपको एफ मिक्सर का निकाल लेना है और सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैं तो इसी को यूज करता हूँ, जब भी मुझे गामा मिक्सर का चाहिए तो 1 प्लस 2 बाई एफ मिक्सर कर लेते हैं, और एफ मिक्सर का निकालना सबसे आसान है, n1 plus n2 f2 divided by n1 plus n2, ये कर सकते हैं ना तुरंत से, कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका होगा। okay.